कीमा की ग्रेवी डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया जाता है कलेजी के साथ, ऊपर से आती है थोड़ी और ग्रेवी। यह है रोगन और ये है जी यहाँ की सबसे बेहतरीन कीमा कलेजी की प्लेट। ग्रेवी इतनी लाजवाब है ना, ये देखो साथ में आ गई ये तंदूरी रोटी करारी वाली। वो कहते हैं भाई इनके जैसी बिरयानी आपको साउथ दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। भाई अगर आप भी शौकीन हैं बढ़िया मटन, बढ़िया बिरयानी और कीमा कलेजी खाने के ना, तो चलिए मेरे साथ आज मैं आपको लेके चलता हूँ अंबरसरिया ढाबा पे, जहाँ पिछले 40 साल से बनाया जाता है सबसे बेहतरीन ये मीट। और लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार इसे खा लिया ना, तो भाई आप बाकी सारी जगहों का स्वाद भूल जाएंगे। और जितना खास है इनके यहाँ का मटन, उतनी ही खास है इनके यहाँ पे मसाले वाली बिरयानी भी। भाई ढक्कन खुलते ही जो खुशबू आती है ना, वो दूर दूर तक फैलती है। तो शौकीन है अगर आप भी मटन बिरयानी कीमा कलेजी के, तो ये वीडियो एंड तक आपके लिए है, क्योंकि एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस बढ़िया पतली पतली तरी के साथ, जो कि कीमे वाली रहती है, देसी घी में तैयार रहती है, करारी रोटी के साथ आप इस मील को एंजॉय कर सकते हैं। और क्या है इस प्लेट का प्राइस, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई यहाँ पे एक तरफ पकड़ी है चिकन बिरयानी और एक तरफ पकड़ा है बहुत ही अमेजिंग मटन कीमा। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैं यहाँ पे इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ। भाई इंतज़ार करना पड़ता है, जब अच्छा खाना खाने की बात हो ना तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है यहाँ पे। भैया तब तक ये ढक्कन को हटाते नहीं है जब तक इनकी तसल्ली नहीं है। उनको टाइम पता है कि भैया अगर मैंने 12:30 बजे मटन चढ़ाया ना, तो पूरे 1:20 पर मैं मटन खोलूँगा। लोग आते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनको पता है कि भैया इससे बेहतरीन मीट उनको पूरे साउथ दिल्ली में नहीं मिल सकता। और सिर्फ मीट ही नहीं बल्कि बिरयानी भी। दोपहर को जब आप आते आपको मिलती है चिकन की बिरयानी और साथ में ये मटन कीमा। और ये देखिए जनाब, जिसका इंतजार आपको था, मुझे था, वो फाइनली अब आपको दिख रहा है। ये है यहाँ की सबसे बेस्ट चिकन बिरयानी। ये वैसी बिरयानी नहीं है जैसे आपको लखनऊ, हैदराबाद, कलकत्ता में मिलती है, ये इनकी अपनी बिरयानी है। इसको यहाँ पे ये लोग मसाला वाली बिरयानी कहते हैं। भाई लोग कहते हैं कि आज से नहीं, जब से ये बिरयानी बननी शुरू हुई है ना, ढक्कन खुलते ही आसपास के लोगों को खुशबू आ जाती है कि भाई चलो अमृतसरी ढाबा पे, वहाँ की बिरयानी का ढक्कन खुल चुका है। लीजिए जनाब, ये है स्पेशल चिकन की बिरयानी, उन बिरयानी के शौकीन के लिए जो कहते हैं कि भाई साउथ दिल्ली में बढ़िया बिरयानी कहीं मिलती नहीं है। अगर आपको मसाले वाली चटपटी बढ़िया चिकन की बिरयानी खानी है कीमे वाली ग्रेवी के साथ, तो अंबरसरिया ढाबा है जी हमारा लाजपत नगर में, जो कि बहुत पुराना है। इनकी ये जितना फेमस कीमा है ना मटन कीमा, उतनी फेमस इनकी ये चिकन की बिरयानी भी है। ये देखिए जनाब, फाइनली जो ढक्कन है वो खुल चुका है यहाँ पे। और अब आप देखेंगे कि एक एक करके जो प्लेट है ना वो लगाई जाएगी। आप देखें कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे मटन को तैयार किया जाता है। ये भी ले सकते हैं आप, अंडे बॉइल्ड रहते हैं और उसके साथ आपको ये ग्रेवी डाल के दी जाती है। अब ये देखिए बॉइल्ड एग भी इसमें जाता है। ये देखिए क्या बात है, 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो 280 रुपये की प्लेट है ये। क्या बात है, वाह भाई साहब, एकदम परफेक्ट ना, गला गला मटन का पीस है ये देखो। और एक एक पीस को चुन के बड़े आराम से निकालते हैं, बड़े तहजीब से भैया, मतलब कोई मटन का पीस टूट ना जाए। फालतू में चलाते नहीं है, बाकी जगह देखें ये चलाते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, यहाँ पे कोई फालतू में नहीं चलाएंगे। बस एक बार रख दिया, उसके बाद प्लेट दर प्लेट लगती रहती है। और ग्रेवी इतनी लाजवाब है ना, ये देखो साथ में आ गई ये तंदूरी रोटी करारी वाली। अब ये देखिए जनाब, यहाँ पे लगने जा रही है प्रॉबली वन ऑफ दी बेस्ट चिकन बिरयानी की प्लेट, जो कि आपको साउथ दिल्ली में मिलेगी। यहाँ की बिरयानी बहुत डिफरेंट है, यहाँ की बिरयानी में आपको वो हैदराबादी और लखनवी टच नहीं मिलेगा, यहाँ की बिरयानी में इनको आपको इनका अपना टच मिलेगा। तो ये बड़ी मसाले वाली पंजाबी चटपटी बिरयानी लगती है। और जो शौकीन है ना चिकन बिरयानी खिलाने के या खाने के, वो कहते हैं भाई इनके जैसी बिरयानी आपको साउथ दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये है अंबरसरिया ढाबा की स्पेशल चिकन बिरयानी, जिसकी कीमत रहती है मात्र और मात्र 230 रुपये। अब यहाँ लगने जा रही है जनाब, ये देखिए कीमा और कलेजी की प्लेट। और जितना फेमस इनका यहाँ पे मटन और कीमा है ना, उतना ही फेमस इनकी कलेजी और कीमे वाली प्लेट है। बड़ी कम जगहों पे आपको बढ़िया कीमा कलेजी मिलती है, और उनमें से एक ये है। यहाँ पे 270 रुपये का आपको पीस मिलता है कीमा कलेजी का, प्लेट मिलती है इनफैक्ट 270 रुपये की, जिसके अंदर लगभग 5 से 6 पीस कलेजी के जाते हैं। और देखिए इस तरीके से कलेजी को 1/2, 1/3 के पीसेज में काट के फिर प्लेट में लगाया जाता है। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना, जो कलेजी खाने के शौकीन है ना, उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये कलेजी की जो प्लेट है वो कितनी ज़्यादा लाजवाब और टेम्पटिंग होने वाली है। लगभग 5 से 6 पीस आते हैं एक प्लेट में, ये भी 270 रुपये की प्लेट रहती है। देखिए 5 से 6 पीस कलेजी के सबसे पहले 1/2 करके काट दिए गए, ऊपर से आई कसूर, ओए होए होए, ये देखिए कसूरी मेथी आए ऊपर से, क्या बात है। और अब ऊपर से आएगी जी ये बहुत ही लाजवाब और टेम्पटिंग कीमे की ग्रेवी। ये देखिए क्या बढ़िया, क्या लाजवाब, क्या टेम्पटिंग यहाँ पे ये प्लेट तैयार हो रही है। ओए होए होए, वाह जी वाह, बहुत ही लाजवाब।
ये देखिए, तो कीमा की ग्रेवी डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया जाता है कलेजी के साथ, ऊपर से आती है थोड़ी और ग्रेवी। यह है रोगन और ये है जी यहाँ की सबसे बेहतरीन कीमा कलेजी की प्लेट, जिसकी कीमत रहती है 270 रुपये। और ज़रा आप रंगत देखो भाई, और स्पेशल आता है ऊपर से इनका ये मसाला। पिछले 15 सालों से ज़्यादा टाइम से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। पहले इनके फादर साहब बनाते थे, वेरी ऑथेंटिक, वेरी जेन्युइन, वेरी टेस्टी फूड। देयर इज़ नो वर्ड इफ़ आई वांट टू गिव मार्क्स, अगर मार्क्स भी देने हैं तो 11 out of 10। एंड इतने कम प्राइस के अंदर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग सच ए हाई ग्रेड क्वालिटी। इवन 5-star होटल्स कांट प्रिपेयर, नो वन कैन प्रिपेयर सच ए टाइप ऑफ डिलीशियस डिश। इनकी बिरयानी और मटन कीमे वाला लेके जाते, परफेक्ट ब्लेंडिंग इज़ परफेक्ट, मसाले बहुत सॉफ्ट हैं, कोई जलन नहीं होती है मसाला खाने के बाद। इज़ वेरी एपिटाइजिंग एंड वेरी गुड एंड टेस्ट। देखिए, अगर आप मटन नहीं खाना चाहते हैं, अगर आप एग करी खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अब एग करी की प्लेट लगने जा रही है। ये 200 रुपये की प्लेट रहती है, इसमें आपको 2 अंडे मिलते हैं और साथ में मिलती है कीमा की बहुत ही बढ़िया देसी घी वाली ग्रेवी। तो 2 boiled eggs रहते हैं और उसके बाद ऊपर से जाता है ये कसूरी मेथी। क्या बात है, ये देखिए भुनी हुई कसूरी मेथी रहती है और साथ में अब ऊपर से आएगी ये वही ग्रेवी कीमे वाली, जो कि इनकी सबसे ज़्यादा स्पेशल है। और घी की सौंधी खुशबू के साथ ये अंडे करी की प्लेट जब आप करारी रोटी के साथ या फिर बटर नान के साथ खाएंगे ना भाई साहब, मतलब आप एक पे रुक नहीं पाएंगे। ये देखिए, अब ऊपर से कीमे की ग्रेवी आई और ये आया जी ऊपर से इनका बहुत ही बेहतरीन रोगन। ये हो गई जी अंडा करी की प्लेट तैयार, मात्र और मात्र 200 रुपये की। जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि भाई कोई भी मटन का पीस जो आपको खाना पसंद हो, चाहे नली का हो, चाहे चाप का हो, चाहे पुट का हो, चाहे गोल का हो, चाहे आप कलेजी खाना चाहते हो, वो सब आपको बाई चॉइस यहाँ पे मिल जाता है। अब जैसे मैंने भैया को बोला कि मेरे लिए आप चाप का पीस और नली का पीस लगाइए, तो चाप और नली का पीस अब यहाँ पे लगने जा रहा है। और ये देखिए कि एक एक पीस को बड़े आराम से बिल्कुल तराश के फिर ये प्लेट पे उतारते हैं और उसके बाद उसके ऊपर से कीमे की ग्रेवी आती है। ये देखिए, अभी आगे नली का पीस, चाप का पीस, साथ में आई इनकी बेहतरीन ये कीमे वाली ग्रेवी। क्या बात है, और ऊपर से आया रोगन। और ये हो गई जी स्पेशल कीमे वाली मटन की प्लेट तैयार, जो कि है 270 रुपये की। ऊपर से आएगा ये बहुत ही स्पेशल इनका ये मसाला। या क्या बात है, लाजवाब। अगर आप भी शौकीन हैं मटन खाने के या फिर कीमे वाले मटन के ना, तो इनके यहाँ पे आके ये कीमा मटन ट्राई करना और बताना कि आपको मेरी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आपके लिए ये दाल भी है, जो कि बढ़िया तरीके से तंदूर के ऊपर तैयार की जाती है। काट काट के इस दाल को तैयार किया जाता है और ये बहुत ही स्पेशल रहती है। अब ये अगर आप प्लेट लेते हैं तो कितने की रहती है, 150 रुपये की। तो अगर आप दाल लेना चाहें तो 150 रुपये की यहाँ पे प्लेट रहती है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो इनकी ये दाल भी आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। भाई अगर मेरी मानिए ना, तो यहाँ पे जो आपको कीमा कलेजी मिलती है ना, उसके साथ ये बटर नान, यानी कि देसी घी वाला नान इनफैक्ट जो है, उसको पेयर कीजिएगा। यहाँ पे नान बड़ा स्पेशल है, आप देखेंगे पहले बटर नान, पहले नान को लगाया जाता है, उसके अंदर भी जो घी है ना वो लगाया जाता है और अब ऊपर से भी घी लगाया जाएगा। करारा करारा क्रिस्पी यहाँ पे इनका ये नान रहता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि बटर नान की जगह आपको देसी घी लगा के दिया जाता है इस नान के ऊपर। पतली पतली तरी हो, साथ में हो ये करारा करारा नान, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जी फाइनली जो मेरी यहाँ पे प्लेट्स है ना, वो लग चुकी है। तो मैंने कोशिश किया कि आपको सारी वैरायटी दिखाऊँ, सबका स्वाद आप तक पहुँचाऊँ और बताऊँ कि क्यों लोग इतने ज़्यादा दीवाने हैं अंबरसरिया ढाबा पे आके इनका ये बेहतरीन ट्रीट को एंजॉय करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं करारी करारी रोटी से, साथ में ये बढ़िया मटन से। आओ थोड़ा आपको दिखाता हूँ ये मटन भी। ये देखो भाई, ये देख रहे हो आप, क्या बात है। तो आओ जी इस स्वाद को थोड़ा और, जायके को थोड़ा और बढ़ाते हैं। मटन का बढ़िया पीस, बढ़िया ये कीमे वाली ग्रेवी और एक ये परफेक्ट बाइट। आई थिंक मेरे ना रिएक्शन ने सब कुछ बयान कर दिया कि कितना टेस्टी यहाँ पे ये मटन की तरी है, कीमे की ग्रेवी है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मटन का पीस जो है वो गल चुका है और इतनी ज़्यादा लाजवाब लग रही है ना करारी रोटी के साथ। ओहो हो, रुके नहीं रुक पाएंगे आप, इस बात की श्योरिटी है। 270 रुपये की ये प्लेट है। लेकिन अगर आप ये अंडा खाना चाहते हैं ना, ये देखिए ये अंडे रहता है, यहाँ पे बॉइल्ड एग रहता है, साथ में इस पर ये बढ़िया कीमे की ग्रेवी, सेम एक ये परफेक्ट बाइट। रोटी के साथ ही खाते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो इसको नान के साथ भी पेयर कर सकते हैं। और ये देखो क्या लाजवाब है, और एक प्याज का ये पीस, मज़ा आ रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है, मुझे पता है आ रहा है, आपके खाते रह जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। आ जाओ बिरयानी पे चलते हैं। ये है बिरयानी, बिरयानी के साथ ग्रेवी अलग से भी दी जाती है, लेकिन मैंने बोला कि आप रहने दीजिए क्योंकि मेरे पास ग्रेवी ऑलरेडी है। तो इस तरीके से बिरयानी में पहले आप ग्रेवी डालिए,
और बिरयानी को जो असल स्वाद है ना वो चम्मच से खाने में नहीं है। जो बिरयानी खाने के शौकीन है, जो चावल खाने के शौकीन है ना, ज़रा मुझे कमेंट में जाके बताओ कि आप चावल को हाथ से खाना पसंद करते हो या फिर स्पून से। भाई मुझे तो हाथ से खाना ही पसंद है क्योंकि असल स्वाद इसी के अंदर है। बढ़िया कीमे की ग्रेवी, चिकन का बेहतरीन पीस, खिला खिला चावल का दाना और ये जायकेदार बिरयानी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप सबसे बेहतरीन जगह ढूंढ रहे हो साउथ दिल्ली में बिरयानी के लिए, मटन कीमा के लिए या फिर शाम के चिकन कोरमा के लिए, तो भैया लुक नो फर्दर, अंबरसरिया ढाबा। एड्रेस पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लोकेशन भी दे रहा हूँ, टाइमिंग भी बता रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। आ जाओ, खाओ ये ट्रीट को, बताओ आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी। लेकिन इस बात की श्योरिटी और गारंटी मेरी है कि अगर एक बार आप यहाँ आ गए ना, तो शायद फिर साउथ दिल्ली में कहीं और मटन खाने के लिए जाओगे नहीं।